रुपीज शेयर के अंदर शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं क्या, होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? ओके, एमएसटीसी लॉन्ग टर्म का व्यू, 388 की बाइंग, ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट्स में है, ले ले मुनाफा। जी मैम, एमएसटीसी मेरी सलाह ये है कि आप इसमें बने रहें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ, इन्होंने एमएसटीसी का प्राइस, मैम मेरा कुछ और दिखा रहा है एमएसटीसी का, इज देयर समथिंग रॉन्ग? एमएसटीसी इनकी बाइंग 388 की ये बता रहे हैं। एक सेकंड, ओके नाउ आई गॉट इट, बीएससी में डिफरेंट था। जी बने रहे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 875, अगर 875 टूटता है तो अपना मुनाफा बांध लें, सिंपल एज दैट। ओके चलिए बात करते हैं अब एक और कॉलर से, मनोज हैं जयपुर राजस्थान से। मनोज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं मनोज बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरा सवाल एयू स्मॉल बैंक पे है, मेरे पास 545 शेयर है 660 रुपए के एवरेज पे। एक्चुअली मैंने क्या ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था, लेकिन अब क्या है लॉस ज्यादा हो रहा है, स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको होल्ड करना चाहिए या मतलब इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि लॉस तो काफी हो रहा है। आपका होराइजन क्या है वो बताइए पहले तो। लगभग 6 महीने 7 महीने तक रख सकता हूँ। 6 to 7 months का ये small finance 660 की buying है, 590 पर कर रहा है trade, क्या करें मैं? जी मैम, यहाँ भी structure काफी खराब है, इतना अच्छा हमारे यहाँ bull market चल रहा है and this stock is making lower lows every day, but daily session पे इस पे हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ती जा रही है, लेकिन अगर overall देखें तो थोड़ा सा oversold territory में एक bounce जरूर मिल सकता है technically, क्योंकि stock पिछले 8-9 दिनों से continuously नीचे है, तो अगर भी बाउंस आता है तो 630-635 के आसपास जहां पे इनका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, मेरी सलाह यही रहेगी कि वहां पे एग्जिट कर जाएं। ओके, बात करते हैं अब संदीप नास्कर की, जिन्होंने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा छत्तीसगढ़ से, इंडसइंड बैंक पर रहा है इनकी, इनका सवाल है 66 स्टॉक्स खरीदे हुए, 1582 की इनकी बाइंग है, बताइए क्या सजेशन? मैम एक बार स्टॉक रिपीट करेंगे आप, मेरा आई डिडंट गेट इट। इंडसइंड बैंक या इंडसइंड बैंक 1582 की बाइंग। जी जी, काफी क्वालिटी स्टॉक है, तो रिसेंटली हमने प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अच्छी खासी देखी स्टॉक में, 200 एमआ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, 200 एमआ के जो लास्ट स्विंग लो के लेवल्स लगभग 1430-1440 के आसपास रहते हैं, जब तक वो लेवल इंटैक्ट है यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। आज के सत्र में एक बुलिश कैंडल हमने देखा है, तो आशा करता हूँ जब तक 1430-1440 इंटैक्ट है एक बाउंस इसमें इनको जरूर मिल सकता है, विच विल टेक द स्टॉक टू 1530-1540 लेवल्स। अनिल पवार ने सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू थाने से, 2 स्टॉक्स इनके पास, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर 250 स्टॉक्स खरीदे हुए, 88 खरीदारी का प्राइस है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 25 स्टॉक्स और जो खरीदारी का प्राइस है वो है सिर्फ 247 रुपए, दोनों में ही शानदार प्रॉफिट्स में है, ये क्या सजेशन? जी पीएसयू बैंक्स में काफी स्ट्रेंथ है, आज के सत्र में भी हमने देखा कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, दे वर डूइंग रियली वेल। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि आज के सत्र में इसकी कैंडल काफी शानदार है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बने रहे हैं लगभग 255 के स्टॉप लॉस के साथ, मुझे लगता है यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडली, एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन महीने भर का अगर इनका व्यू है तो यहाँ पे 280-285 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बने रहना चाहिए। एंड दूसरा इन्होंने कहा बीएससी लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड मैम ये स्टॉक 2500 के लेवल पे इसने सॉर्ट ऑफ एक डबल टॉप बनाया 2600 के लेवल पे, वहां पे रेजिस्टेंस कर रहा है और अभी एक क्रूशियल सपोर्ट पे लगभग जो कि 2347 के आसपास आता है, तो एक स्टॉप लॉस रखे 2250 का, अगर 2250 टूटता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग और एक पुल बैक आ सकता है, तो इस चीज को ख्याल में रख के इसमें बने रहे, 2250 अगर ब्रेक होता है तो निकल जाए। मोहित कुमार अगले कॉलम मुरादाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर, मोहित जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैं एचडीएफसी बैंक से पूछना चाह रहा था, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? एचडीएफसी लाइफ पर लॉन्ग टर्म व्यू आपने लिया हुआ है क्या? एचडीएफसी बैंक हाँ जी। ओके, एचडीएफसी बैंक पर तो अभी राय दी थी, फिर भी पूछ लेते हैं क्विकली, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है एचडीएफसी बैंक पर? अमित प्लीज रिपीट कर दीजिए इनके लिए। जी मैम, 1340 जैसे कि मैंने कहा था कि इसका अच्छा सपोर्ट जोन है, जब तक वो होल्ड करता है तो मेरे ख्याल से
इन नियर टर्म में 40 के लेवल्स पॉसिबल हैं, लेकिन जब तक स्टॉक में हायर आए हाई लोज नहीं बनेंगे तब तक मुझे लगता है स्टॉक एक रेंज बाउंड टेरिटरी में है. तो बिकॉज सिंस इट हैज सीन अ बिग फॉल तो एंड ट्रेडिंग अबव ऑल द की मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली यहाँ पे कोई तेजी बनेगी, बट आई थिंक इट विल गो इन अ पीरियड ऑफ लॉन्ग कंसोलिडेशन जो कि लगभग साल भर तक का भी रह सकता है, और उसके बाद यहाँ पे शायद फिर कोई बेस बने और स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस नजर आए. फिलहाल मुझे यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है, बट 1340 का लेवल एक अच्छा लेवल है. ओके एक और सवाल लेंगे, धीरज ललवानी हमारे साथ जयपुर से कनेक्टेड है फोन लाइन पर. धीरज जी नमस्कार, बताइए सवाल. नमस्कार मैम, गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू. मैम मेरे दो क्वेश्चंस हैं. पहला है मेरा केईसी इंटरनेशनल ऐप बॉट इट 663 1000 यूनिट्स. अभी इट्स गुड गोइंग 695 बट आई डू नॉट नो द टारगेट्स कि कहां तक मैं उसको ले जा सकता हूं, तो पहला एक व्यू मुझे थोड़ा इस पे मिल सकता है. एंड ओके और दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका? अपोलो एपीएल अपोलो ट्यूब्स. आई हैव बॉट 337 यूनिट्स एट 1500 रुपीस. ओके 1500. और आपका होराइजन क्या है दोनों स्टॉक्स में? मैम आई कैन गो अप टू 3 months 4 months. अ क्वार्टर इज गुड फॉर मी. आई कैन होल्ड अप टू. ओके तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स 3-4 महीने रुक सकते हैं. रही बात इनकी दूसरी होल्डिंग की केईसी इंटरनेशनल, तो यहाँ पर 663 की बाइंग है तो इनको लॉस नहीं है बल्कि इनको छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक में, क्योंकि 695 पर ट्रेड कर रहा है तो ये 5 रुपए का लॉस नहीं है बल्कि ये मुनाफा इनको 30 रुपए के आसपास का. क्या सजेशन रहेगा 3-4 months के पर्सपेक्टिव से केईसी इंटरनेशनल में और साथ ही एपीएल अपोलो ट्यूब्स में? जी मैं पहले एपीएल अपोलो ट्यूब्स में आऊंगा मैम. यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को जो प्रॉब्लम है दैट इज कि द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज. तो जब भी कोई स्टॉक 200 डे के नीचे ट्रेड करता है और इंपॉर्टेंट स्विंग्स तोड़ता है तो दैट इज अ बेयर टेरिटरी. हैविंग सेड दैट, अगर हम चार्ट देखें वीकली चार्ट देखें तो 1300, 1340 ये जोन एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है. जब तक ये इंटैक्ट है नथिंग इज रॉन्ग. थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, आरएसआई पे एक डाइवर्जेंस मिल रहा है तो मुझे लगता है यहाँ पे एक इनको शॉर्ट टर्म बाउंस जरूर मिलेगा, लेकिन उस शॉर्ट टर्म बाउंस का फॉर द टाइम बीइंग यूज करें निकलने के लिए और अपना लॉस कम करने के लिए. अगर ये पूछे कि तेजी कहाँ से आएगी तो जब तक ये स्टॉक 1600 के लेवल नहीं क्रॉस करता मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई खास तेजी बनने वाली है, तो बाउंस बैक पे यहाँ से एग्जिट करें. एज फार एज केईसी इंटरनेशनल इज कंसर्न, इसका स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है. इनफैक्ट स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया, बेस बना के फिर अपने 20 DEMA एक अच्छे कैंडल से बाहर आ रहा है. तो यहाँ पे बने रहे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 640 रुपीस के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे एक अप मूव देख सकते हैं. ओके चलिए तो ये राय रही केईसी इंटरनेशनल पर और एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर. रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, जल्द वापस आते हैं.